दोस्तों ज़ीरोधा काइट में अगर आपको कोई बैंक अकाउंट रिमूव करना है, समझो आपने कोई बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है ज़ीरोधा में और उसमें से कोई एक अकाउंट आपको निकालना है, तो वो कैसे करें उसका पूरा डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, ज़ीरोधा काइट में आप तीन बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी, दो होते हैं सेकेंडरी। कभी भी आप किसी सेकेंडरी अकाउंट को प्राइमरी कर सकते हैं और प्राइमरी वाले को सेकेंडरी में मूव कर सकते हैं, वो भी बड़ा आसान है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट एडेड है तो आप कोई भी बैंक अकाउंट निकाल सकते हैं, प्रोसेस आसान है। लेकिन अगर आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है तो पहले आपको एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, फिर पुराने वाले को जो है आप डिलीट कर सकते हैं या अनलिंक कर सकते हैं। अब याद रखिए, जब आप काइट ऐप के अंदर से अपना अकाउंट अनलिंक कर रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट वैसा का वैसा ही है, बस ज़ीरोधा में पैसे डालने और निकालने के लिए वो अकाउंट आप फिर यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप दोबारा वेरिफिकेशन ना करें। तो मैं भी मल्टीपल अकाउंट रखता हूँ इन्वेस्टमेंट्स और अलग अलग पर्पसेस के लिए, तो यहाँ पर जो है एक अकाउंट को आज मुझे डिलीट या फिर अनलिंक करना है ज़ीरोधा से। सो उस प्रोसेस को हम देखेंगे। ज़ीरोधा में काइट में लॉगिन करने के बाद नीचे जो है प्रोफाइल के इस आइकन को आप क्लिक कीजिए। वो क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज ओपन होगा जहाँ पर अकाउंट्स और ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। इस पेज में हमें यहाँ पर कंसोल पर आना है। कंसोल में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है कई सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर हम किसी पर भी क्लिक कर देंगे, समझो हम पोर्टफोलियो पर क्लिक कर देते हैं। अब ब्राउज़र में जो है एक पेज खुलेगा जो पहले से लॉग्ड इन होगा, उस पेज में ऊपर इस हैमबर्गर मेन्यू को आपको क्लिक करना है। इस मेन्यू को क्लिक करने के बाद हमें माय अकाउंट में जाना है। माय अकाउंट में आने के बाद ये एक बटन है जो एक ड्रॉवर ओपन करता है और इस ड्रॉवर के अंदर जो है आपको बैंक का ऑप्शन दिखता है, हम बैंक को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इस पेज पर जो है मेरे दो बैंक अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर एडेड है और दिख रहे हैं। अगर हमें तीसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है तो ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, और बैंक अकाउंट अगर डिलीट करना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एंड ऑफ पार्ट वन। पार्ट टू कल रिकॉर्ड होगा क्योंकि जब तक ये प्रोसेसिंग नहीं होता आगे का हम बना नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पर जिस बैंक अकाउंट को प्राइमरी कहा गया है उसके बाजू में डिलीट बटन नहीं दिखेगा। मैंने इस वक्त कोटक बैंक को अपना प्राइमरी अकाउंट सेट कर दिया है। प्राइमरी अकाउंट सेट कैसे करते हैं, नया बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अब जो बैंक अकाउंट हमें डिलीट करना है, समझो यहाँ HDFC बैंक मुझे डिलीट करना है, तो उसके बाजू में एक डिलीट का बटन आएगा। हम उस डिलीट के बटन को क्लिक करते हैं। बैंक अकाउंट डिलीट करने के लिए ये जो है हमें कह रहा है कि वो एक OTP भेजेगा ईमेल या मोबाइल पर, जहाँ पर भी हम चाहें, तो हम मोबाइल क्लिक करके सेंड OTP कर देते हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसे प्रोसेसेस के लिए, जैसे अगर आप प्राइमरी अकाउंट चेंज कर रहे हैं, वैसे प्रोसेस के लिए आधार वेरिफिकेशन भी होता है। तो मैंने मेरे जो दूसरे ट्यूटोरियल वीडियोज़ है बैंक अकाउंट से रिलेटेड, उसमें मैंने ये चीज़ भी दिखाई है। इस वक्त ज़ीरोधा कह रहा है कि सिर्फ एक OTP वेरिफिकेशन कर लो जो ज़ीरोधा ही भेजेगा, तो बड़ा ही सरल है, तो ये हम करके वेरीफाई कर देते हैं। बैंक अकाउंट डिलीटेड सक्सेसफुली, वो बैंक अकाउंट अब डिलीट हो चुका है। सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था बैंक अकाउंट डिलीट करने का। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट पे पूछिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।